दोस्तों यार, टाइगर थ्री के ट्रेलर को देखने के बाद आपने क्या सोचा कि इस फिल्म में हमें इतना ही देखने को मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा जो कि कुछ ऐसे ही कहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ दोस्तों हाल ही में एक इंटरव्यू के बीच टाइगर थ्री के डायरेक्टर मनीष शर्मा जो कि रिवील करते हुए दिख गए कि यह फिल्म के ट्रेलर में जो भी दिखाया गया है वो तो इस फिल्म का 1% भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ फिल्म के ट्रेलर में काफ़ी कुछ छुपा कर रखा गया और ये खुद फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा ही कहते हुए दिख रहे। यहाँ जैसे कि ये तो सभी जानते ही थे कि यहाँ फिल्म टाइगर थ्री जो कि बड़ी होगी और इस फिल्म में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मनीष शर्मा तो साफ साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ फिल्म के ट्रेलर में काफ़ी कुछ छुपा कर रखा गया है। क्योंकि जब इस फिल्म के अंदर आप उन सभी चीज़ों को देखेंगे जो कि आपके लिए एकदम सरप्राइजिंग होगी, तो ये आपको और भी ज़्यादा बेहतर लगने वाली है। क्योंकि यहाँ शायद किसी ने भी सोचा नहीं है कि इस फिल्म के अंदर क्या कुछ देखने को मिल सकता है। और यहाँ फिल्म के ट्रेलर में तो केवल बेसिक चीज़ें ही दिखाई गई है, यानी कि उस तो अब ये पूरी तरीके से पक्का होता हुआ दिख रहा है कि टाइगर थ्री जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी होने वाली है और ये फिल्म जो कि ऐसा एक्सपीरियंस सभी को देने वाली है जो कि इंडियन फिल्मों का लेवल ही पूरी तरीके से बदल देगी। तो ऐसे में जहाँ एक तरफ 2023 के जाते जाते सलमान खान 2023 की सबसे बड़ी फिल्म तो देखकर जा ही सकते, लेकिन उसके साथ ही ये फिल्म अलग ही लेवल सेट कर सकती है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।